so now we will discuss okay how uh, a developing country can reach to the development process by two policies pros and cons of import substitution and export led growth hypothesis ya jise aap export oriented industrialization bhi keh sakte hain तो आई एस आई जैसे हम बात कर import substitution industrialization सब्सिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अंदर जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अगर डेवलपिंग कंट्री ये चाह रही है कि वो बाहर से इम्पोर्ट को सब्टीट्यूट करें दैट मीनस दैट पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री वॉन्ट टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज इन द इकॉनमी और जो उन चीज़ों की प्रोडक्शन की जाए जो वो बाहर से मंगवा रहे हैं तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बूम आएगा जो आप इम्पोर्ट्स मंगवा रहे हैं बाहर से उसको आप डोमेस्टिकली uh, प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहला जो प्लस यहाँ पे नज़र आता है फॉर द डेवलपिंग कंट्री दैट इज़ रिड्यूस रिस्क ऑफ सेटअप सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज लाइक जैसे सपोज आपके पास ऑलरेडी मार्केट है उन कमोडिटीज़ की जिनको आप डिवेलप करना चाह रहे हैं जिनको आप बनाना चाह रहे हैं डोमेस्टिकली अब इनफेक्ट इसको बड़ी एक सिंपल सी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप सपोज uh, ट्रेड का औरिजिनली मकसद तो ये है कि आप सपोज़ uh, ज्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को भेजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ लेकिन ये जो पॉलिसी है ये इनफेक्ट एंट्री ट्रेड सॉर्ट ऑफ आपको नजर आएगी जहाँ पे आप जो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं और उसको डोमेस्टिकली चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अब सब्टिट्यूट तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगी So already market तो ऑलरेडी उसकी मार्केट तो हो होगी क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं आपके डोमेस्टिकली इकॉनमी के अंदर दे आर डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी इफ़ यू वांट टू रिप्लेस दैट कमोडिटी तो आपको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपके पास रिस्क बहुत कम हो जाता है uh, नई इंडस्ट्रीज़ को बनाने का या नई इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने का क्योंकि जो चीज़ बिल्ड होनी है उसने डोमेस्टिकली uh, बिकना ही बिकना है वो ये नहीं होगा वेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो आ, रिस्क है वो कम से कम होता है देन जो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से कि उनकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जब आप आ, इसको प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक गुड्स की प्रमोशन करें फॉर द कन्जम्पन ये आपको रिसेंट पास्ट के अंदर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवस नज़र आएंगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जैसे यू एस ए को अगर आप स्टडी उसकी पॉलिसीज़ को देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जब उसने ट्रेड वॉर छेड़ी थी चाइना के साथ तो वो ये था कि वो इम्पोर्ट्स को रिटेल करना चाह रहा था तो वो ये चाह रहा था कि डोमेस्टिक जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलें और जो प्रोडक्शन है वो यू के अंदर ही हो तो एक तो ये है कि आप इस पॉलिसी के थ्रू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं दूसरा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर आप मिसाल लें तो वहाँ पे एक इंसेंटिव आप देते हैं लोगों को कि आपके यहाँ पे आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो करें क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था टैरिफ फैक्ट्रीज का जब हम इसको पढ़ रहे थे फर्स्ट सेक्शन को इनफैक्ट ट्रेड पॉलिसीज के अंदर हमने ये डिस्कस किया था तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा तो इस फॉर्म इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये एक प्लस आता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपके पास आ, आते हैं और नई इंडस्ट्रीज जो आप बनाना चाह रहे हैं जिसको सब्डीट्यूट करना चाह रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है देन इसका एक नुकसान हमेशा से रहा है इम्पोर्ट सब्सिटन पॉलिसीज़ का दैट इज़ लेस एफिशिएंसी एंड डिस ऑफ स्केल जब आप कम स्केल पे बना रहे हैं जब आप अपनी ही सपोज uh, मार्केट को लिमिट कर रहे हैं जस्ट ओनली फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तो वहाँ पे आपने क्या किया कि इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल से फ़ायदा ना उठा सके वहाँ पर डिस इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल आती हैं क्योंकि आपके पास जो बायर है वो लिमिटेड है यू आर ओनली प्रोड्यूसिंग फॉर योर कंज्यूमर्स और या आपके कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं तो एफिशेंसीज़ आपके पास नहीं होती देन uh, आपके पास uh, वंस अगेन एफिशिएंसी इस वजह से भी नहीं होती टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की तरफ आप उस तरह नहीं जा रहे होते क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो नेशनल पॉलिसी है वो प्रोटेक्शन की है तो अल्टीमेटली जो इम्पोर्ट सब्सिडीशन इंडस्ट्राइजेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है एंड देन डिफ़िकल्ट भी होती है क्योंकि आपके पास जो uh, अगर सपोज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही सिर्फ आ रही है वहाँ पे फॉरेन कंपटीशन नहीं है सपोज uh, तो उस केस के अंदर आपके पास जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो नहीं उस तरह से अपग्रेडिड फॉर्म के अंदर होता कि आप दूसरे फॉर्म uh, के अंदर अगर हो सपोज कंपटीशन की फॉर्म के अंदर हो तो यू हैव टू बी वेरी कम्पटिटिव फॉर दैट यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं अपनी चीज़ बनाने में ताकि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएं लेकिन इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाती हैं और आप टेक्नोलॉजी भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कम ज़्यादा जो कॉस्टली होती है तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते तो दैट इज़ वन वे कि आप सब्टिट्यूट करें इंपोर्ट सब्सिट्यूशन इंडस्ट्रलाइजेशन करें एंड सेकेंड पाथ फॉर द डेवलपिंग कंट्री इज़ एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रलाइजेशन इसमें uh, जो उसके नेगेटिव थे यहाँ पे आपके पास uh, उसके पॉजिटिव बनते हुए नज़र आएंगे वह है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट योर कॉमोडिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल तो वहाँ पर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेते हैं क्योंकि आप ना सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं देन आपके पास ड्राइव डिमांड आती है फॉर एक्सपोर्ट्स एफिशेंसी इंक्रीज करती है तो so, आप जो यूज कर रहे हैं कमोडिटीज़ इन प्रोडक्शन वहाँ पे आपके पास जो आ, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है एंड देन यू यूज़ बेटर टेक्नोलॉजी एंड देन आपके पास जो अपग्रेडेशन आती है कॉमोडिटीज़ के अंदर एंड देन वंस अगेन जो आप इस चीज़ से इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेते हैं वहाँ से आपको uh, फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा एंड देन एक और इसका एडवांटेज ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक uh, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती अगर इफ़ यू आर कम्पैटिव कम्पैटिव तो आप अपनी चीज़ों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच सकते हैं तो दीज आर द टू टू थ्री प्लस और ये बड़े काफ़ी मेजर किस्म के हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा uh, मसला भी है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये फेस करना पड़ा उसमें ये था कि डिफ़िकल्टू सेटअप एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ क्योंकि आपके पास जो आप चीज़ बना के बेचना चाह रहे हैं डेवलप वर्ल्ड में वो ऑलरेडी बन रही होती है मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटीज़ अगर सपोज़ पाकिस्तान की एग्जांपल लें या किसी और एग्रीकल्चर कंट्री की एग्जांपल लें तो उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेयर करें अगर आप डेवलप वर्ल्ड के अंदर तो यू विल सी अलॉट ऑफ डिफरेंसेस और वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा जो uh, डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएस सपोज तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है पर एकड़ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की नस्बत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर में रिसर्च होती है वहाँ पे बेहतर सीड्स हैं फर्टिलाइज़र्स हैं इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है तो बेशुमार चीज़ें तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपके पास जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ख़ास तौर पर अगर वो कमोडिटीज़ डिवेलप कंट्रीज़ भी बना रही हैं एंड देन जो डेवलप कंट्रीज की तरफ से एक और जो यहाँ पे हर्डल आता है या एक बैरियर है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू अडॉप्ट द एक्सपोर्ट और दैट कि वो अपनी लेबर इंटेंसिव गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ रखते हैं अब इसकी एक रीज़न हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवेल्प कंट्रीज की जो लेबर यूनियन हैं वो बेसिकली बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं टू रेज दीज टैरिफ रेट्स और अल्टीमेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग एंड मोस्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स आर आर लेबर इंटेंसिव गुड्स तो अगर वो डिवेल्प कंट्रीज के अंदर जाएंगे नहीं तो उनकी मार्केट फिर लिमिट भी होती है तो जो एडवांटेज था हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो जो एडवांटेज था कि आपकी मार्केट बढ़ जाती है तो जो डवेल्प कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जब टैरिफ रेट्स लगते हैं हाई लेवल पे तो वहाँ पे आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज की वो कटेल होती हैं तो इस केस के अंदर कंट्री तभी कामयाब है जब वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव होगा तो इन इन फ्यूचर इन कुछ मेड्यूल्स के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो है इससे ऐसा ऐस ऐस फ़ायदा नहीं उठा सके